अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको पिकॉक बनाना सिखाऊंगी। मैंने वॉल पे पिकॉक ड्रा किया था, लेकिन तब मैं उसका स्केच की इतनी डिटेल में वीडियो नहीं बना सकी, इसीलिए मैं पहले आपको कॉपी पर रफ स्केच बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने एक ओवल ड्रा करना है पिकॉक की बॉडी के लिए। उसके बाद साथ ही उसकी टेल ड्रा कर देनी है, टेल थोड़ी कर्व ड्रा करनी है। और अब मैं पीकॉक का हेड उसके साथ पहले नेक और फिर हेड ड्रा करूँगी। हेड ड्रा करने के लिए सर्कल बनाया है मैंने। अब मैं पीकॉक का क्राउन ड्रा करूंगी। अब मैं यहाँ पर एक ब्रांच ड्रा कर रही हूँ। मैंने पीकॉक के फूट नहीं बनाए थे, उसको ब्रांच पे ड्रा किया था, इसीलिए मैं आपको भी ब्रांच पे ही बनाना सिखाऊंगी, फूट नहीं बना रही। पेंट करते हुए मैंने ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई हैं, इनके ऊपर फ्लावर्स भी बनाए थे पर्पल कलर के। पीकॉक अब ड्रा हो गया है। इसी तरीके से मैंने सेम टू सेम स्केच किया था वॉल के ऊपर, थोड़ा बड़े साइज़ में हो गया था वॉल पे, और फिर बेसिक कलर्स के साथ पेंट करना स्टार्ट किया था। अब मैं फेदर बनाना भी सिखाऊंगी इसके टेल में जो आपने ड्रा करना है। अब पता नहीं इस शेप को क्या बोलते हैं, मेरी मर्ज़ी, मैंने ऐसे बनाना था, मैंने बनाया है। ये जो भी शेप है इसको ऐसे बना के ऊपर मैंने कर्व लाइंस लगाना स्टार्ट की हैं, और फ्री हैंडली इसको मैंने ड्रॉ किया है। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, मैं इसकी ये जो लाइंस हैं ये थोड़ी छोटी करती जा रही हूँ। फेदर अब तैयार हो गया है, और इसी तरीके से मैंने वॉल पे भी सारे फेदर ड्रॉ किए थे। बेसिक कलर्स पहले मैंने जो ड्रा किया था उन पे कर दिया। पीकॉक के जो होते हैं ब्रांच में मैंने डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन यूज़ किया है, और शेड के लिए ऊपर तक के थोड़े रियलिस्टिक लुक आए वाइट कलर यूज़ किया है। और ये फेदर्स में ऐसे ही लुक देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए मैंने ब्रश को टैप टैप किया था, जिससे ये टेक्सचर मिला है। डिफरेंट कलर्स के साथ मैंने टैप टैप किया था ब्रश को। और अब टेल में फेदर बनाऊंगी। इस तरीके से मैंने फेदर के अंदर डिफरेंट कलर्स कर दिए हैं।
और इसके अंदर मैंने इसकी टेल को रियल लुक देने के लिए 4 कलर्स यूज़ किए हैं, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू। सबसे पहले मैंने नीचे डार्क ग्रीन किया है, उसके ऊपर मैं ब्लू से अब बना रही हूँ, और बाद में मैंने कहीं कहीं थोड़ा लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू का शेड दिया था। अब मैं लाइट ग्रीन का शेड दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा अंदर। पर्पल कलर के मैंने बेसिक से फ्लावर बनाए। इसी तरीके से अब पीकॉक रेडी हो गया है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियोस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड बाय।